ये आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 5 दिन के अंदर ये चौथा कामयाब ऑपरेशन है। 7 तारीख को सुगन शोपियां में ऑपरेशन हुआ था, 9 को कुलगाम में, 10 को पुलवामा में और आज 12 को जो श्रीनगर सिटी का ऑपरेशन। इसमें 10 टेररिस्ट जो हैं वो पिछले 5 दिन में 4 ऑपरेशंस में मारे गए हैं। आज के ऑपरेशन का खास बात यह है कि इसमें लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्ला जो पाकिस्तान का रहने वाला है वो मारा गया है। और सैफुल्ला जो ये पिछले एक के बाद एक 3 मेजर अटैक्स में शामिल था। कैसरमुल्ला बडगाम में कुछ ही दिन पहले सीआरपी की पार्टी पर अटैक हुआ था जिसमें एक एएसआई हमारे शहीद हुए थे। कुछ ही रोज पहले 7 तारीख को कंडीजाल में सीआरपी की दूसरी पार्टी के ऊपर अटैक किया था जिसमें 2 सीआरपी के जवान शहीद हुए और 3 और जख्मी हुए। उसके बाद एक और अटैक कंडीजाल के एरिया में कानवाई के ऊपर किया था, उस कानवाई में जो अटैक था उसको रिपल्स कर दिया गया था। और नौगाम के बगल में जो पुलिस के 2 जवान आर्मर्ड पुलिस के जो 2 मारे गए थे उसमें भी सैफुल्ला और आदिल अलियास टिप्पू सुल्तान शामिल थे। आदिल भी एक एनकाउंटर में पहले ही पुलवामा में सिरहामा में एनकाउंटर हुआ था उसमें मारा जा चुका है। इस साल में अभी तक 75 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं जिसमें 180 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके अलावा 138 दहशतगर्द और उनके एसोसिएट जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इस साल की ऑपरेशनल अचीवमेंट्स का ये जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, पिछले साल के मुकाबले में जो दहशतगर्द मारे गए उनकी तादाद भी पहले से काफ़ी ज़्यादा है और जो गिरफ्तार किए गए टेरर एसोसिएट्स और एक्टिव टेररिस्ट उनकी तादाद भी पहले से काफ़ी ज़्यादा है। एक ख़ास बात और है कि परसों जो इनकाउंटर हुआ उसमें एक दहशतगर्द ने जिंदा अपने आप को सरेंडर किया। जैसा कि हमारी पॉलिसी है कि अगर कोई ऑपरेशन के दौरान सरेंडर करना चाहे हम बार बार मौका देते हैं, ये पहला मौका कि उसमें डोडा के रहने वाला फिरदौस जो मिलिटेंट है उसने सरेंडर किया ऑपरेशन के दौरान। वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और उसकी पूछताछ की जा रही है। दूसरी बात यह है कि साल के सारे ऑपरेशन 75 ऑपरेशन जो हुए वो बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरे नीट एंड क्लीन ऑपरेशन हुए हैं। सिर्फ बटमालू का ऑपरेशन पिछली बार भी मैंने कहा था कि दुख की बात उसमें एक महिला जो है वो क्रॉस फायर के दौरान उनकी मौत वाकई हुई थी। उसके अलावा बाकी के ऑपरेशन बड़े साफ सुथरे हुए हैं और लोगों का इसमें भरपूर तामुन है, लोग पूरा साथ दे रहे हैं। मैं अपने लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आपके कुछ सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। See, this is for the first time in the year 2020 that Srinagar city has seen 8 encounters so far. During these 8 encounters, we've been able to neutralize 18 terrorists so far. So Lashkar and all, they have been trying to find a foothold in the city, but our internet work is quite good, quite effective. And it's because of a good internet work that whenever they try to find a foothold in the city, our troops were able to locate them and take care of them. Sir,
जो दो एनकाउंटर हुए चाहे वो बरसाती का हो या आज का हो, तो इसमें खास बात किसी की शहर के बहुत नजदीक थे और सिक्योरिटी जोन के बिल्कुल पास पास ही हो, क्या आप मानते हैं पुलिस की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से लैक ऑफ लूपहोल्स है? अगर मैं आपकी बात मान लूं तो मुझे एक एक बंदे को एक्सरे मशीन से फिल्टर करके निकालना है, जिसके लिए मुझे नहीं लगता आप तैयार होंगे। आई जी साहब जरा बताएंगे। इस स्कूल का नाम है सिराज उलूम इमाम साहिब। इस स्कूल के टीम के ऐसा नहीं कि हम लोग इसको ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं, इस स्कूल के टीम टीचर को ऑलरेडी हम लोग पीएसएम बुक कर चुके हैं, जिसका नाम है अब्दुल हक भट्ट, दूसरा फरोख भट्ट टार और मोहम्मद यूसुफ वानी। इसके अलावा करीब 5-6 टीचर्स को हम लोग 107 सीआरपीसी के तहत बॉन्ड ऑन कर चुके हैं, हमारे सर्वेलेंस में है। जैसा कि हम लोग का पॉलिसी है कि अभी तक हम लोग ये इसका बेसिकली जो एफिलिएशन है जमात इस्लामी स्कूल का है, हमारे सर्वेलेंस में है, हम लोग अभी व्यक्ति पर पर्सन पर अभी एक्शन ले रहे हैं, अगर जरूरत पड़ा तो इंस्टीट्यूशन पर भी एक्शन लेंगे। देखिए जो अभी हाल ही में हुआ है पुलवामा वाला, उसमें तो डिटेल मिल जाएगी मुदस्सर के बारे में, बाकी लोग उनकी सुरक्षा के मद्देनजर हम लोग उनकी डिटेल शेयर नहीं कर सकते। 26 के करीब ऐसे लोग हैं जो टेररिज्म ज्वाइन करने के बाद वापस घर लौटे हैं, पुलिस और उनके फैमिलीज की मेहनत के सदका, मगर उनका हम ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं कर सकते। सर रिसेंटली पॉलिसी आई थी कि इनको बाहर रिहैबिलिटेट किया जाएगा, तो कुछ है डाटा इन लड़कों को शायद आपके पास भेजा होगा? ऐसी पॉलिसी अभी कोई ऑफिशियल तौर के ऊपर सामने नहीं आई है। जी श्रीनगर में अभी मिलिटेंट्स की प्रेजेंस कितना है, और जो अगर हम बात करें टोटल नंबर्स श्रीनगर में जो एक्टिव मिलिटेंट है सिर्फ एक है, दो आतंकी कार्रवाइयों में वो शामिल है, तलाश है, एंड आई एम श्योर हम बहुत जल्द ही वी विल ब्रिंग हिम टू जस्टिस। मुझे नहीं लगता कि फॉर्मली ऐसी पॉलिसी के ऊपर अभी कोई डिस्कशन हुई है, हो सकता है उन्होंने ऑफिशियल लेवल पे कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ शेयर करी हो, जब तक कोई फैसला नहीं लिया जाता तब तक आई नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। थैंक यू। ओके।